हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। ये हमारी एक नई सीरीज है 1000 सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लीनियर एल्जेब्रा, जिसमें हम आपकी 1000 सॉल्व लीनियर एल्जेब्रा की सॉल्व प्रॉब्लम करेंगे आपके सी एस आर नेट एग्जाम से, आईटी जैम, टीआईएफआर, गेट, एनवीएचएम, आईएसआई, सीएमआई, ये सभी एग्जाम्स की हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे लीनियर एल्जेब्रा की, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका जो लीनियर अलजेब्रा को सीखने का है वो आपका है सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ लीनियर अलजेब्रा। जब तक आप लीनियर अलजेब्रा की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, आपको लीनियर अलजेब्रा कभी नहीं आएगा। तो इस सीरीज़ में हम लीनियर अलजेब्रा को सीखेंगे थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसी के साथ साथ हमने आपका 2000 सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ रियल एनालिसिस आपकी जो सीरीज़ है वो भी स्टार्ट कर रखी है, जिसकी ऑलरेडी मैं 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो आप उनको भी जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ 1000 सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लीनियर एल्जेब्रा। ये हमने प्रॉब्लम ली है आपकी आईआईटी जेएम स्टेट 2020 के एग्जाम से, जहाँ पे टोटल 7 प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। इसमें क्या आपको एक लीनियर मैप दे रखा है आर की पावर 3 से आर की पावर 4 पर, और आपको टी 111 की वैल्यू पूछी है, आपको ऑप्शन की वन है यहाँ पे। तो यहाँ पे करना क्या है, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इज आपका जो सेट है बी विच इज 110 101 एंड 011, दिस इज बेसिस, दिस इज अ बेसिस ऑफ आर क्यूब। ये आपका बेसिस है आर क्यूब का। तो अगर ये बेसिस है तो ईच वेक्टर इन आर क्यूब कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर। इट मीन्स वेक्टर 111 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू एक्स टाइम्स 110 प्लस वाई टाइम्स 101 प्लस जेड टाइम्स 011। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ कोऑर्डिनेट वाइज, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ से एक्स प्लस वाई, और यहाँ से एक्स प्लस जेड, यहाँ को मिलेगा वाई प्लस जेड, दिस इक्वल्स टू 111। इट इम्प्लाइज माई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। कोऑर्डिनेट वाइज कंपेयर कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 1 एंड वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली मुझे इसको सॉल्व करना है एक्स वाई जेड के लिए, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं। इट इम्प्लाइज 2 टाइम्स एक्स प्लस 2 टाइम्स वाई प्लस 2 टाइम्स जेड इक्वल्स टू 1 इक्वल टू 3, डिवाइड टू इंटू माई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3। दैट इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3/2। बट एक्स प्लस वाई वैल्यू कितने आपके पास, 1 है, यहाँ 1 पुट कर देते हैं। इट इम्प्लाइज जेड इक्वल्स टू 3/2 -1 विच इज हाफ। सिमिलरली आपका वाई भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और एक्स भी कितना आ जाएगा आपका, 1/2। अपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे हम लीनियर मैप अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, 1 1 के ऊपर। नाउ टी ऑफ 111 इज इक्वल्स टू टी ऑफ एक्स टाइम्स 110 110 प्लस वाई टाइम्स 101 प्लस जेड टाइम्स जीरो वन वन। क्योंकि एक बार टी क्या लीनियर मैप है, इट इम्प्लाई दिस इक्वल्स टू एक्स टाइम्स टी 110 प्लस वाई टाइम्स टी 101 प्लस जेड टाइम्स टी ऑफ 011। बट आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेगी सारी कितनी आपकी, हाफ है, दिस इज हाफ ऑफ टी ऑफ 110
प्लस टी ऑफ 0 1 0 प्लस टी ऑफ 0 1 1। अब आपके यहाँ पे तीन आपके वैल्यू देर गिवन है प्रॉब्लम में, तीन वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। टी ऑफ 1 1 0 वैल्यू कितने आपका गिवन है, इट इज 2 0 0 0, इट इम्प्लाइज इज हाफ ऑफ 2 0 0 0 0 प्लस टी ऑफ 1 0 1 की वैल्यू कितनी गिवन है, टी ऑफ 1 0 1 इट इज 2 4 0 0, इट इज 2 4 0 0 वाइल टी ऑफ 1 0 1 1 की वैल्यू कितनी गिवन आपको 0 0 2 0, इट इज 0 0 2 0। ऐड कर लेते हैं डिप्लाई, दिस इज हाफ ऑफ 4 8 वाइज ऐड करते हैं, इट इज 4 विल बी अगेन 4, इट विल बी 2 एंड 0। तो हाफ सम डिवाइड करते हैं, इट विल दिस 2 2 1 0। आउटपुट ऑफ टी ऑफ 1 1 1 इज इक्वल टू 2 2 1 0। टू टू वन जीरो, तो आपको ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 2 1 0। यहाँ बेसिकली आपको एक ही कंसेप्ट यूज करना था कि आपको जो यहाँ पे बी सेट दे रखा है, दिस इज द बेसिस ऑफ आर क्यू एंड एवरी वेक्टर कैन रिटर्न एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स एंड देन सिंस टी इज लीनियर मैप यू कैन अप्लाई दिस टू दिस वेक्टर t11, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो योर आंसर इज करेक्ट, इज सी ऑप्शन आपके यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। नाउ व्हाई दिस वेक्टर b इज अ बेसिस ऑफ आर क्यूब, ये आपका जो वेक्टर b है, सेट b है जो, ये बेसिस क्यों है आर क्यूब का। तो अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ, वेक्टर्स को b के जो वेक्टर्स हैं उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ, इट विल बी 1 1 0 1 0 1 एंड 0 1 1। एक मैट्रिक्स की मैंने फॉर्म लिख दिया इसको, वेक्टर्स को। नाउ यू कैन सी ये जो वेक्टर्स हैं आपके पास, ये अगर इसको ऑपरेशन लगाता हूँ, सपोज इट विल बी, ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे r2 - r1, इट विल बी 1 1 0, विल बी 0 - 1 1 0 1 1। अभी क्या करेंगे, एक ऑपरेशन लगा देते हैं, r3 को रिप्लेस कर देते हैं r3 + r2 से, इट विल बी 1 1 0 0 - 1 1 एंड विल बी 0 0 2। अब देख सकते हैं इस यहाँ पे कितनी आपकी नॉन जीरो रो कितनी है, नॉन जीरो रो आपके पास 3 है, 1 2 एंड 3, सो इट इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज 3। रैंक ऑफ ए का होने का मतलब 3 होने का क्या मतलब है, आपकी जो रोज हैं वो क्या है आपके पास, इंडिपेंडेंट हैं। तो आपके तीनों वेक्टर क्या आपके इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट। और कितने वेक्टर आपके पास, 3 वेक्टर्स हैं, तो इन आर क्यूब के अंदर आपके पास 3 वेक्टर हैं और तीनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, इट मीन्स दे फॉर्म ए बेसिस ऑफ आर क्यूब। तो इस तरह से आपके जो सेक्टर बी वेक्टर जो आपका सेट बी है वो एक बेसिस को फॉर्म कर रहा है आर क्यूब के। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या आपके पास, लेट एम बी एन एन क्रॉस एन नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास, देन द मैट्रिक्स दिस इज ऑलवेज सिंगुलर सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल और आइडेंटिपोटेंट। जी चेक करते हैं, आपको पहले तो गिवन क्या आपका जो मैट्रिक्स एम है कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो माई एम ट्रांसपोज करने पर मुझे कितना मिलेगा, माइनस एम मिलेगा, तो मुझे गिवन है एंड माई एम इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, दिस इज गिवन। ओके, तो अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ इस मैट्रिक्स का, तो आई एन माइनस एम
इनटू में आई एन प्लस एम का इनवर्स, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ, इट विल बी आई एन प्लस एम इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू में आई एन माइनस एम का ट्रांसपोज, इट विल बी इक्वल्स टू अब ये क्या हो जाएगा आपका आई एन का ट्रांसपोज प्लस यहां से ये सनी। अब आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए, वो रिजल्ट क्या आपके पास, अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए है इनवर्स का आप ट्रांसपोज निकालना चाह रहे हो, दिस विल बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, आपके पास ये रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर हम ये अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे आपके पास क्या इनवर्स है, आप इनवर्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो अब मैं इसको यूज करके क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज का इनवर्स कर दूंगा, तो इस विल बी इक्वल्स टू आई एन प्लस एम का ट्रांसपोज का इनवर्स हो जाएगा आपके पास बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। सो इट विल बी नाउ आई एन का ट्रांसपोज माइनस एम का ट्रांसपोज, नाउ दिस विल इक्वल टू आई एन का ट्रांसपोज विच इज अगेन आई आई एन प्लस एम का ट्रांसपोज का इनवर्स, आपका आई एन आ जाएगा माइनस, ये आपका इक्वल गिवन आपको एम का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एम, इट विल माइनस एम, सो इट विल बी टू प्लस एम हो जाएगा ये आपका पास, प्लस एम दिस अगेन माइनस एम will be equals to i n minus m का इनवर्स, और यहाँ पे i n plus m, i n plus m, ओके। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज करके ये चीज़ निकाल ली है। अब हम इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। नाउ i n minus m इंटू में i n plus m का इनवर्स, ये मैट्रिक्स है आपके पास, इसका ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई एन माइनस एम इंटू में आई एन प्लस एम का इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू इट विल बी आई एन माइनस एम आई एन प्लस एम का इनवर्स, और ये वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है उसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल्स टू ये वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू आई एन माइनस एम का ट्रांसपोज इंटू में आई एन प्लस एम का इंटू में एम। नाउ अभी क्या कर सकते हैं, इन दोनों स्विच कर सकते हैं बिकॉज ऑफ स्विच करने पर कितना आ जाएगा आई एन माइनस एम इंटू में आई एन माइनस एम का इनवर्स, और आपका हो जाएगा आई एन प्लस एम का इनवर्स इंटू में आई एन प्लस एम। दिस विल बी आइडेंटिटी बिकॉज दिस इज मैट्रिक्स इट इज इनवर्स, दिस विल बी आई इंटू दिस अगेन आई, इट विल बी आई। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है ये मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स इनटू मिस ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, मीन्स अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो ए और इसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई अगर आप आई आ रही है तो क्या बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इट इंप्लाइज ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, माई ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा कितना होता है आइदर माइनस प्लस वन, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज माइनस प्लस वन, ए इज ऑर्थोगोनल, इट मीन्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज नॉन सिंगुलर, सो माई ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, दिस इज रॉन्ग।
ओके, यहाँ पे हमने इन दोनों को स्विच किया है, इन दोनों मैट्रिसेस को स्विच किया है, तो हम इसको स्विच क्यों कर सकते हैं? व्हाई वी कैन स्विच दिस? इसका रीजन ये है, बिकॉज आई एन प्लस एम इंटू में आई एन माइनस एम इज सेम एज आई एन माइनस एम एन आई एन प्लस एम। ये दोनों मैट्रिक्स आप ही कमिट कर सकते हैं, तो इनवर्स भी क्या करेगा, कमिट करेगा, इट इम्प्लाइज आई एन माइनस एम का इनवर्स और आई एन प्लस एम का इनवर्स विल बी इक्वल्स टू आई एन प्लस एम का इनवर्स और आई एन माइनस एम का इनवर्स। मैंने इसके इस पे दोनों साइड पे क्या लिया, इस इक्वेशन के दोनों साइड पे इनवर्स ले लिया, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, तो मेरे पास ये चीज़ मिल जाएगी। इट मीन्स आपके जो इनवर्स हैं वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे से कमिट कर जाएंगे, इसलिए आप इन दोनों को स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे स्विच कर जाएंगे तो ये पास आइडेंटिटी बन जाएगी, ये भी आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी। इट मीन्स दिस इज ऑल आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो दिस मैट्रिक्स मस्ट बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ ऑप्शन, व्हाट अबाउट ऑप्शन बी एंड डी? और बी डी को आपको चेक करने के लिए, तो आई को मैं ले लेता हूँ, मैट्रिक्स एम को ले लेता हूँ, लेट माई एम इज 0 0 1 -1, ये मैट्रिक्स मैं एम को ले लेता हूँ, तो मैट्रिक्स एम इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड इट इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो आई टू माइनस एम, इसकी जो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी वो कितना होगा आपके पास, 1 -1 एंड 1 1, और आपका जो आई टू प्लस एम की जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो कितना होगा आपके पास, विल बी 1 1 एंड -1 1, इट इम्प्लाइज आई टू माइनस एम इंटू में आई टू प्लस एम इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1 -1 1 1। पहले इसको मुझे इनवर्स निकाल लेते हैं, इनवर्स कितना होगा, आई टू प्लस एम का इनवर्स विल बी इक्वल्स टू, तो इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, इट विल बी 1 1, और ऑफ डायगनल एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं, इट विल बी -1 1, और फिर डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, अब कितना बनेगा, 2 बन जाएगा, तो ये इसका इनवर्स बन जाएगा। इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, 1 -1 1 1 इंटू में हाफ, तो इसमें सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स कितने बनेगा आपके पास, 0 -2 और 2 0, इट मीन दिस इज इक्वल्स टू 0 -1 और 1 और 0, तो आपको सी मैट्रिक्स मिल गई। अब ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज दिस टू एलिमेंट्स आर नॉट सेम, दिस टू एलिमेंट आर नॉट सेम, सो दिस मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपका जो ऑप्शन आई थिंक बी है वो रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑल्सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग बिकॉज आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर सपोज मैं इस मैट्रिक्स ए मान लेता हूँ, सो इफ दिस मैट्रिक्स इज ए, दिस इज ए, तो माई ए इज 0 -1 1 0, देन ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आपके पास आएगी, 0 -1 1 0 इंटू में 0 -1 1 0 विल बी इक्वल्स टू 1 0 0 -1, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू ए, इट इम्प्लाइज माई मैट्रिक्स इज नॉट आइडिपोटेंट, सो माई ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो माई ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग, सो इट इज ओनली वन करेक्ट ऑप्शन विच इज सी, दिस इज मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहां मैं इसको क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन किया है ईच ऑप्शन के लिए, वाई ईच ऑप्शन इज करेक्ट और वाई ईच ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रीजन।
अगर आप इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो आपको जो एल्जेब्रा है वो बिल्कुल आएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए अब प्रॉब्लम करते हैं थर्ड। थर्ड प्रॉब्लम है कि आपके पास आपको एक मैट्रिक्स एम दे रखी है और पी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट पी इनवर्स एम पी इज डायगोनल मैट्रिक्स देन द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स दिस इक्वल्स। तो उसने पूछा इसका ट्रेस कितना होगा। तो ट्रेस क्या होता है किसी मैट्रिक्स का? ट्रेस इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। पहले तो इसका मतलब क्या है? दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स पी इनवर्स एम पी इज डायगनल मैट्रिक्स। इट इंप्लाइज मैट्रिक्स एम इज डायगनल एलिजिबल। आपकी जो मैट्रिक्स एम है वो क्या डायगनल एलिजिबल है? इट मीन्स पी इनवर्स एम पी इज इक्वल टू डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स क्या हो गया पास? लैम्डा 1 0 0 0, लैम्डा 2 0 0 0, लैम्डा 3। वेयर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ एम। ये आपका मतलब है यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है? मुझे इसका क्यूब करना है, दोनों साइड को क्यूब क्यूब कर देंगे। सो इट इम्प्लाइज पी इनवर्स एम पी क्यूब इक्वल्स टू लैम्डा 1 क्यूब 0 0 0, लैम्डा 2 क्यूब 0 0 0, लैम्डा 3 क्यूब। बट दिस इक्वल्स टू पी इनवर्स एम ये पावर 3 हो जाएगी, ये पी आ जाएगा यहाँ पे। तो इट इंप्लाइज ट्रेस ऑफ पी इनवर्स एम की पावर 3 पी विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ डायगनल एलिमेंट विच इज लैम्डा 1 क्यूब प्लस लैम्डा 2 क्यूब प्लस लैम्डा 3 क्यूब। तो ये आपका ट्रेस आएगा जो आप यहाँ पे निकालना है। उसको निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3, और वो क्या आपके पास आइगन वेक्टर्स सॉरी आइगन वैल्यूज हैं किसकी? एम की। तो मुझे एम की यहाँ पे आइगन वैल्यूज निकालनी है। और आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को 0 पुट करके उसको सोल्व करेंगे। तो पहले इसकी क्या निकालते हैं? इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, वो क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एम लैम्डा इक्वल टू 0। वो क्या हो गया आपके पास? एम माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ये आपके बन रही है, एम आपके पास है, एम इज 1 0 0 0 3 2, 1 0 0 0 3 2 और 0 1 4। आपके पास एम है, इट इंप्लाइज एम माइनस लैम्डा आई विल बी इक्वल्स टू वन माइनस लैम्डा 0 0 0, 3 माइनस लैम्डा 2 0 1 और 4 माइनस लैम्डा। नाउ एम माइनस लैम्डा आई यहाँ पे डिटरमिनेंट आएगा आपका, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है आपके पास? एम माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इट इम्प्लाइज 1 माइनस लैम्डा 0 0 0, 3 माइनस लैम्डा 2 0 1 और 4 माइनस लैम्डा, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा? एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट कॉलम, तो 1 माइनस लैम्डा इंटू में 3 माइनस लैम्डा इंटू में 4 माइनस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। 1 माइनस लैम्डा
सॉल्व कर लेते हैं, इट विल बी 12 माइनस 7 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0. इट इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 इंटू 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. इट इंप्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू 1, आई थिंक 2 एंड 5. तो लैम्डा वैल्यू आपका आएगी 1, 2 एंड 5. तो कैट इज ट्रेस क्या बन जाएगा आपके पास, इट इंप्लाइज ट्रेस विल बी इक्वल्स टू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब विल बी 1 प्लस 8 प्लस 125 विल बी 136, 134. इस मैट्रिक्स टेस्ट कैसे बनेगा, 134. तो ये एक इजी क्वेश्चन था बेस्ड अपॉन आइगन वैल्यूज एंड ट्रेस. तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. इस यहाँ आपको क्या गिवन है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है कि किस ऑप्शंस में आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, कहाँ आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कहाँ आपका नो सॉल्यूशन होगा. तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बेसिक आइडिया क्या है आपके पास. अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए एक्स इक्वल्स टू बी वेयर ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लिख रहे हैं. आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ए एक्स इक्वल टू बी, ए आपके पास क्या कोई एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है वेयर एक्स इज एन क्रॉस वन कॉलम मैट्रिक्स. एंड बी इज एम क्रॉस वन कॉलम मैट्रिक्स. आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें आपके पास एम इक्वेशन होंगी और एन वेरिएबल्स होंगी. तो उसको ले सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में. वहाँ पे आपका एम ए आपका कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन, जिसको हम कोफिशियंट मैट्रिक्स बोलते हैं. एक्स आपके पास एक एन क्रॉस वन का आपके पास कॉलम है जिसको हम कॉलम ऑफ वेरिएबल्स बोलते हैं, जिसको हम सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हम सॉल्व करते हैं. और बी आपके पास एक एम क्रॉस एन का कॉलम मैट्रिक्स है. तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखता हूँ ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में, तो आपका जो ए बनेगा वो कितना होगा, ए विल बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी ए टू वन विल बी जीरो वन फाइव विल बी जीरो बी एन माइनस फाइव. यहाँ पे आपका ए की वैल्यू बनेगी ये, और जो एक्स होगा कैपिटल एक्स वो क्या होगा एक्स वाई एंड जेड. यहाँ पे जो बी आपके पास गिवन है वो बी कितना आपके पास जीरो वन एंड माइनस वन, जीरो वन एंड माइनस वन. यहाँ पे आपके ए एक्स और बी आपके यहाँ पे है. नाउ थ्योरी क्या है कि आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सोल्व कैसे करते हैं. ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है. नाउ यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं ए डॉट बी, बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स. तो मैं क्या निकालता हूँ, रैंक निकालता हूँ. फर्स्ट प्रॉब्लम, इफ रैंक ऑफ ए डॉट बी, इफ रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड दिस इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच इज इक्वल टू एन, देन इट इंप्लाइज सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन. सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन. ऐसे आपका जो केस बी होगा, केस सेकंड क्या होगा आपके पास, इफ रैंक ऑफ ए डॉट बी इन रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू सेम एज रैंक ऑफ ए बट लेस देन एन, मींस लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, इट इंप्लाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इट इंप्लाइज हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन.
और जो थर्ड केस आपके पास है, थर्ड केस में क्या होगा, इफ रैंक ऑफ ए डॉट बी, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, इट इम्प्लाइज नो सॉल्यूशन, सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इस केस में। तो ये आपकी टोटल थ्योरी है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हम हमेशा क्या करते हैं, रैंक निकालते हैं ए की और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की, उन रैंक्स को हम कंपेयर करते हैं। तो आउट ऑफ दिस कोई एक ऑप्शन होगा आपका, उस अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन आ जाएगा इनफाइनाइट, नो और यूनिक सॉल्यूशन का। अब हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, आपके पास ए डॉट बी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा आपके पास, इट विल बी ए 2 1 0 1 5 0 बी माइनस 5 इंटू में कॉलम बी, और कितना है 0 1 माइनस 1, विल बी 0 1 और माइनस 1। अब मुझे इसकी रैंक निकालनी है, उसके लिए क्या करेंगे, इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सपोज आर थ्री के अंदर आर थ्री माइनस बी टाइम्स आर टू ऐड कर लेते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू ए 2 1 0 0 1 5 1 विल बी इक्वल्स टू 0 0 -5 -5b एंड इट विल बी -1 -b। तो ये आपके पास आ गई प्रश्न करने के बाद मैट्रिक्स। नाउ अब इसकी जो रैंक आएगी, ध्यान रहे अगर आपको रैंक ऑफ ए डिसाइड करनी है तो रैंक ऑफ ए डिसाइड करने आपको पहले ये तीन कॉलम लेंगे हम टू डिसाइड रैंक ऑफ ए, पहले तीन कॉलम देखेंगे हम। और आपको पूरी मैट्रिक्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की अगर आपको रैंक देखनी है तो मुझे पूरी मैट्रिक्स की रैंक देखनी होगी, इस पूरे कॉलम चारों कॉलम मुझे लेने होंगे, ठीक है। नाउ ऑप्शन फर्स्ट में आपका देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में आपको क्या है, ए की वैल्यू के 1 है और बी की वैल्यू कितनी -1 है, ए इज 1 बी इज -1, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, तो ए इज फर्स्ट व्हेन ए इज 1 एंड बी इज -1। तो हमारे पास जो ए डॉट बी बनी थी वो किसकी इक्विवेलेंट आ रही है आपके पास, 1 2 1 0, एक जगह वैल्यू 1 पुट कर दी, 0 1 5 1 0 0, बी की जगह -1 पुट कर देंगे, सो इट विल बी +5, इट विल बी 0, इट विल बी 0। तो रैंक ऑफ ए, एक रैंक निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ये तीन कॉलम लेने हैं, सिर्फ तीन कॉलम, क्योंकि मेरे पास मैट्रिक्स ए थी। तो यहाँ पे कितने हैं आपके नॉन जीरो रोज, कितनी हैं, दो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड दिस इज 0, तो रैंक ऑफ ए इज 2। बताओ रैंक ऑफ ए डॉट बी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी है आपके पास, टोटल इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, अगेन 2, फर्स्ट एंड सेकंड दे आर 2 नॉन जीरो रोज, थर्ड इज कंप्लीट 0, सो इट विल बी अगेन 2। तो रैंक ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2, विच इज लेस देन 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड आपके पास तीन वेरिएबल्स है, सो इट इम्प्लाइज सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमने भी आपकी जो थ्योरी बताई थी इसके अकॉर्डिंग आपको सिस्टम में कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो पहला ऑप्शन आपको क्या बता रहा है, सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, तो दिस ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन, एक्चुअल सिस्टम है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ऐसे आप दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन में बी को चेक करता हूँ, बी क्लब का एक वेलब की -1 है और बी क्लब की 1 है, ए इज -1 बी इज 1, तो देखिए तो माई ए सेकेंड ए इज -1 एंड बी इज 1, यहाँ पे ए डॉट बी आपके पास क्या बन जाएगा, सिमिलर टू
एक जगह पुट कर देंगे माइनस वन, माइनस वन टू वन ज़ीरो, ज़ीरो वन फाइव एंड वन ज़ीरो, बी की जगह कितना पुट करेंगे हम वन, तो वन मुझे यहाँ पे पुट करना है इट विल बी ज़ीरो ज़ीरो, और बी की जगह पुट करना मुझे वन, सो इट विल बी माइनस टेन, माइनस टेन और दिस विल बी माइनस टू। तो इस केस में रैंक ऑफ ए कितना आएगा आपके पास, रैंक ऑफ ए विल बी अगेन आपके पास थ्री नॉन जीरो रो हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सो रैंक ऑफ ए इज थ्री, और रैंक ऑफ ए डॉट बी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी बनेगी, अगेन थ्री, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दे आर थ्री नॉन जीरो रो, सो इट विल बी थ्री, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए डॉट बी, इक्वल टू थ्री विच इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इट इंप्लाइज इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, आपके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इस सिस्टम का, तो आपका जो ऑप्शन बी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो माय ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे आप ऑप्शन सी और डी को भी चेक कर सकते हैं, या आपके पास होमवर्क एक्सरसाइज है, ऐसे हम ए की जगह वन पुट करेंगे, बी की जगह जीरो पुट करेंगे और वहां से देखेंगे आपका क्या आ रहा है। ऐसे आपका ऑप्शन डी के लिए ए की जगह जीरो, बी की जगह जीरो पुट कर लेंगे और वहां से चेक कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सी और डी दोनों आपके रॉन्ग ऑप्शन आ रहे हैं, इसको चेक कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। तो ये जो आपको मैंने थ्योरी बताई है ए एक्सक्ल टू बी, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए आपके पास सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन टू नंबर्स, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए डॉट बी विच इज रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अगर ये दोनों आपके सेम हैं, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर दोनों सेम हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर दोनों नंबर आपके सेम नहीं है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो चलिए हम बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर, बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे, तो आपको आगे चीज सब क्लियर हो जाएंगी। तो अभी फिलहाल नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर फाइव। फाइव प्रॉब्लम क्या आपके पास, फॉर रियल कॉन्स्टेंट ए एंड बी लेट ए आपको एक मैट्रिक्स एम दे दी, बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन विच द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्या होगा, एम इज ऑर्थोगोनल, इट इंप्लाइज एम इंटू में एम का ट्रांसपोज इक्वल टू एम का ट्रांसपोज इंटू एम मस्ट बी इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां से मुझे क्या मिलेगा, एम वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू ए एंड बी, एम का ट्रांसपोज कर देंगे इट विल बी वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू ए एंड बी, इन दोनों मानों के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के वन जीरो जीरो वन, इट विल बी, अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ से, हाफ हाफ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन इट विल बी ए बाय रूट टू प्लस बी बाय रूट टू, देन इट विल बी अगेन ए बाय रूट टू प्लस बी बाय रूट टू, एंड दिल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो द विल बी इक्वल्स टू इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001. Comparing, we get a plus b by root 2 equal to 0. From comparing this element, it implies
कंपेयरिंग दिस एलिमेंट वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन. इट इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू जीरो. ए प्लस बी मस्ट बी जीरो. तो आपका आई थिंक एक ऑप्शन आपको ए प्लस बी इक्वल टू जीरो गिवन है. यस, सो माय ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, व्हाट अबाउट ए बी? अब ए बी की वैल्यू निकालते हैं. यहां से अब ए इक्वल टू माइनस बी यहां पुट कर देते हैं. इट विल बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी वन. इट विल बी ए स्क्वायर इक्वल टू वन बाय टू. तो ए विल बी माइनस प्लस वन बाय रूट टू. So if a is equals to 1 by root 2, then b will be minus 1 by root 2. And if a equals to minus 1 by root 2, and if a equals to minus 1 by root 2, then b equals to plus 1 by root 2. So we have two pair of values of a, b. Ab plus do pair banenge. एक में आपका ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, और दूसरे में आपका ए नेगेटिव होगा, बी आपका पॉजिटिव होगा. सो इन आइदर केस ए बी की वैल्यू कितनी आपके पास? माइनस वन बाई टू आ जाएगी. तो माय ऑप्शन सी इज करेक्ट, बट ऑप्शन बी इज रॉन्ग. बिकॉज ऑप्शन बी में आपको क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी में आपको बी की वैल्यू कितनी मिल रही है? पॉजिटिव मिल रही है. बिकॉज सी स्क्वायर रूट, सो बी इज पॉजिटिव, बट बी आपका नेगेटिव भी हो सकता है. सो इट विल बी ऑप्शन बी विल बी रॉन्ग. नाउ एम स्क्वेयर इक्वल टू आई टू इज ऑल्सो रॉन्ग. भाई आपके पास एम क्या? आपके पास एम के पास ये है, यहाँ पे ए और बी वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. अपने ए और बी दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं. आपके पास दो मैट्रिक्स बनेंगी. ए अब जो आपका पुट करेंगे, ये एक मैट्रिक्स आपको यहाँ से मिलेगी और एक मैट्रिक्स मिलेगी जब ये जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे. अब चेक कर सकते हैं एम स्क्वायर विल नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग. सो माय करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एंड ए. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर सिक्स. यहाँ पे क्या है आपके पास? लेट पी बी एन थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स विथ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लैम्डा वन माइनस टू बाई थ्री, लैम्डा टू इक्वल टू जीरो एंड लैम्डा थ्री इक्वल टू वन. तो पी कोई मैट्रिक्स है थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की, और उसके पास तीन आपको आइगन वैल्यूज दे रखी हैं, लैम्डा वन माइनस टू बाई थ्री, लैम्डा टू आपके पास दे रखा है जीरो और लैम्डा थ्री आपको दे रखा है वन. उसने एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दी बाय यूजिंग दिस रिलेशन, दो मैट्रिक्स क्यू एंड आर. देन अल्फा इज डिटरमिनेंट ऑफ क्यू एंड बीटा इज टेस्ट ऑफ आर. देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू व्हाट? सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ क्यू, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है? इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज. मैट्रिक्स क्यू है तो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स क्यू एंड ट्रेस ऑफ क्यू इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ क्यू. ट्रेस ऑफ मुझे आर निकालना है, नॉट क्यू. ट्रेस ऑफ आर, ट्रेस ऑफ आर इक्वल टू sum of eigen values of matrix Q, matrix R. तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरी होती है, किसी मैट्रिक्स का ट्रेस किसके इक्वल होता है? उसकी आइगन वैल्यूज के सम के इक्वल. और किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है? उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. यहाँ पे मुझे एक्चुअली क्यू और आर की आइगन वैल्यूज निकालनी है, उससे मुझे आपका ट्रेस और डिटरमिनेंट दोनों ही मिल जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा. बट यहाँ पे मुझे क्यू और आर की जो आइगन वैल्यूज हैं वो डायरेक्ट गिवन नहीं है,
मुझे यहाँ पे क्यू और आर के आइगन वैल्यूज निकालने के लिए मुझे आइगन वैल्यू किसकी गिवन है, पी के आइगन वैल्यूज मुझे गिवन है। तो देखिए अब मैं पी के आइगन वैल्यूज को यूज़ करके कैसे क्यू और आर के आइगन वैल्यूज निकालता हूँ। तो चलिए पहले एक पॉलीनोमियल डिफाइन करते हैं, एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू 3x³ माइनस x² माइनस एक्स प्लस वन। अभी पॉलीनोमियल कहाँ से ले ली, ये पहले पॉलीनोमियल मैंने इस रिलेशन को यूज़ करके निकाल ली है, 3x² माइनस सॉरी 3x³ माइनस x² माइनस एक्स प्लस वन। यहाँ से मैंने ये पॉलीनोमियल निकाल ली एफ एक्स। ऐसे में एक पॉलीनोमियल निकालूंगा जी एक्स, वो जी एक्स क्या होगा आपके पास, अगेन 3x³ माइनस 2x यूजिंग दिस रिलेशन। मैं यहाँ पर दो पॉलीनोमियल निकाल ली एफ एक्स एंड जी एक्स डाउन। अब हम एक रिजल्ट लिखते हैं जो आपको पता होना चाहिए, अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मैं उसे प्लस लिख लेता हूँ, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेट ए इज एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एन एफ एक्स इज एनी पॉलीनोमियल देन इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन एफ ऑफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए। ये आपके पास रिजल्ट रहता है जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एफ ऑफ के आपके पास एफ क्या कोई पॉलीनोमियल है, उसके अंदर मैं मैट्रिक्स को इनपुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी कि ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, दिस इज अगेन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज आएगी वो क्या होगी, एफ ऑफ लैम्डा, और लैम्डा क्या आपके पास आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो ये आपका रिजल्ट होता है, इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अब मुझे पी के आइगन वैल्यू मुझे गिवन है, तो एफ ओफ पी कितना बनेगा आपके पास, दिस इज 3p³ माइनस पी स्क्वायर माइनस पी प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपका एफ ऑफ पी आ गया। तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, आइगन वैल्यूज ऑफ दिस इक्वल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ लैम्डा, और उसने आपको क्या इसको क्यू माना है, तो दिस इज क्यू। तो क्यू इक्वल टू दिस, सो इट इम्प्लाइज यूजिंग दिस रिजल्ट आइगन वैल्यूज ऑफ क्यू आइगनवैल्यूज ऑफ क्यू आर एफ ऑफ लैम्डा, वेयर लैम्डा को गिवन है। आइगनवैल्यूज क्या क्या दे रखे हैं आपको, जीरो वन और माइनस टू बाई थ्री, जीरो वन एंड माइनस टू बाई थ्री। तो एफ ऑफ जीरो निकालेंगे पहले, तो इट विल बी वन, एफ ऑफ वन निकालेंगे, एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी है आपके पास, एफ में वन पुट कर देंगे, दिस बाई एफ वन पुट करेंगे यहाँ पे, दिस विल कैंसिल आउट, इट विल बी टू। एफ ओ वन इक्वल्स टू टू, एफ ओ माइनस टू बाई थ्री इक्वल्स टू, तो सॉल्व करने के बाद मिलेगा मुझे वन बाई थ्री। आप इसको कर सकते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ ओफ के अंदर माइनस टू बाई थ्री पुट कर देंगे इसके अंदर, आपको आंसर मिल जाएगा वन बाई थ्री। तो इट मीन्स आइगन वैल्यूज ऑफ क्यू आर वन टू एंड वन बाई थ्री, इट इम्प्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ क्यू आर वन टू एंड वन बाई थ्री। अब मुझे क्या निकालना था, डिटरमिनेंट निकालना था, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ क्यू विच इज वन इंटू में टू इंटू में वन बाई थ्री, इट विल बी टू बाई थ्री, और डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इज टू बाई थ्री। अब चलते हैं आर के ऊपर,
आर के लिए मैंने जी एक्स क्या डिफाइन किया था? थ्री एक्स क्यू माइनस टू एक्स, तो माई आर इक्वल बी थ्री पी क्यू माइनस थ्री पी, सो इट इंप्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ आर इक्वल्स टू जी ऑफ जीरो, जी ऑफ वन एंड जी ऑफ माइनस टू बाई थ्री। जीरो, जी ऑफ जीरो कितना होगा आपके पास? ऑब्वियसली जीरो, इट विल बी जीरो। जी ऑफ वन की वैल्यू कितनी आएगी? अगेन वन। एंड जी ऑफ माइनस टू बाई थ्री वैल्यू कितनी आपके पास आएगी? इट विल बी फोर बाय नाइन, फोर, इट विल बी माइनस एट बाई नाइन प्लस फोर बाई थ्री, इट विल बी इक्वल्स टू नाइन माइनस एट प्लस ट्वेल्व, सो इट विल बी फोर बाई नाइन। तो आपके पास जो आइगन वैल्यूज मिलेंगी कितनी मिलेंगी? आर की जीरो वन एंड फोर बाई नाइन। इट इंप्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ आर इज जीरो वन एंड फोर बाई नाइन। मुझे क्या निकालना था आर का? ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ आर इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज विच इज जीरो प्लस वन प्लस फोर बाई नाइन विच इज थर्टीन बाई नाइन। तो अपने दोनों वैल्यूज निकाल ली, ट्रेस ऑफ आर एंड डिटरमिनेंट ऑफ पी। क्वेश्चन क्या था मुझे? मुझे इन दोनों का सम करना था। क्वेश्चन में क्या था आपको? आपका डिटरमिनेंट ऑफ क्यू आपका अल्फा है, ट्रेस ऑफ आर आपके पास बीटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सो इट इंप्लाइज माई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू थर्टीन बाई नाइन प्लस टू बाई थ्री विल बी इक्वल्स टू नाइनटीन बाई नाइन। अब कौन सा आ जाएगा? नाइनटीन बाई नाइन। इस क्वेश्चन आपको बेसिकली एक ही कंसेप्ट यूज करना था, और कंसेप्ट क्या है कि आपका किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। किसी मैट्रिक्स का ट्रेस किसके इक्वल होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज। और आपको अगर कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में दे रखी हो, पॉलीनोमियल की फॉर्म में, तो उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको ये रिजल्ट यूज करना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको तीन ही रिजल्ट अप्लाई करने थे। तो ये आपका लास्ट प्रॉब्लम था इस वीडियो का। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट लेक्चर है वो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट बिलो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे आपके पास लीनियर अलजेब्रा की। और दिस वीडियो इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।